नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनोहर आंजना। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि अपलोड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। दोस्तों, अब ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों, ये जो चार्ट है ये टाटा स्टील का डेली चार्ट है और आज हम इसमें बात करेंगे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस की कि किस प्रकार चार्ट को देखा जाता है और किस तरह चार्ट स्टडी की जाती है। और एकदम आपको अभी रिसेंटली जो घटना घटी है या जो चार्ट पैटर्न बना है उस पर वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी सी समझ बने और आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकें। तो दोस्तों, जैसे ये डेली चार्ट है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा था। ठीक है दोस्तों, ये घटना हुई थी करीबन जून महीने के अंदर। यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन सपोर्ट का सस्टेन नहीं कर पाया और लगातार ये 474 से मोटा मोटे 326 तक आया, यानी कि 150 रुपये की एक तरफा गिरावट थी इसने। कहीं कुछ नहीं हुआ सॉरी दोस्तों, फिर इसने हल्का सा मूवमेंट लिया यहाँ तक और अगेन इसने वही बनाया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों, जो इसने अपना ये लो बनाया है ये मोटा मोटी सेम ही बनाया है जो पिछला लो बना था 26 अगस्त के दिन, वो का वही लो बनाया है 9 अक्टूबर के दिन। यानी कि यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिएगा, जब मैं कर्सर नीचे लेके जाऊँ आप यहाँ देखिए, ये जो लो बना है ये लो बना है 322 का, ये लो बना है 320 का। यानी कि दोनों 1-2 रुपये का डिफरेंस चलता है। आपको एकदम जो टेक्स्ट बुक पैटर्न है वो नहीं मिलेगा कि यहाँ भी 320 का लो था तो यहाँ भी 320 का लो होना चाहिए, या यहाँ 322 का लो था तो यहाँ भी 322 का लो होना चाहिए। तो सेम मोटा मोटी जो इसने बनाया है वो करीबन एक ही तरह का लो बनाया है। तो हम इसको थोड़ा चार्ट से मार्क कर देते हैं चार्ट के माध्यम से। एक तो ये लो बन गया इसका और जो दूसरा लो बना है वो ये लो बन गया, दोनों लो बना है। और यहाँ से अगर आपने 322-320 से ख़रीदा होगा या ख़रीद लेते हम तो मोटा मोटी हमें स्टॉप लॉस क्या लगाना पड़ता 2 या 4 रुपये का। जैसे मान लीजिए 320 का पिछली बार इसने लो लगाया था और ये ग्रीन कैंडल बन के इसने क्लोज दिया था इसने 336 रुपये पर, लो बनाया था 320 रुपये का, यानी कि 3 से 4% मूव दिया था। तो हम अगर इससे अगले दिन भी इसके लो को स्टॉप लॉस मान के अगर भाई भी करते तो आज हमें 330 रुपये से करीबन 410-420 रुपये के हाई इसमें मिल गए थे, या मोटा मोटी 70-80 रुपये हमें इसमें मिल गए। और दोस्तों, ये जो चार्ट पैटर्न है ये बना कौन सा है तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चार्ट पैटर्न को कहते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसने दो बॉटम लगभग लगभग मोटा मोटी एक ही जगह पर बनाया है, इसलिए इसको डबल बॉटम कहते हैं। तो जैसे ही ये डबल बॉटम एक बहुत ही विश्वसनीय चार्ट पैटर्न है, आप इसमें होता क्या है, इसमें रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होता है प्लस इसमें स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर इसने 322 रुपये का अगर लो लगाया तो आपको पता है कि ये जो लो है ये 320 रुपये के आसपास है या 322 रुपये का है, और ये अगर 320 रुपये का है तो आपको पता है कि पिछली बार ये 320 के नीचे नहीं गिरा था। तो आप यहाँ ये मान के लगा सकते हैं 315 रुपये, 316 रुपये, 2 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस और 15 से 20 रुपये यानी कि 1:3, 1:4 का रिस्क रिवार्ड हो सकता है ये। तो इस तरह के यदि आप चार्ट पैटर्न को सीख जाते हैं, यदि आप इस तरह की स्टडी करते हैं और आपको अगर महीने में 1 से 2 स्टॉक ही ऐसे मिल जाते हैं तो आपको रेगुलर इनकम बनाने में सहायता हो सकती है। यदि दोस्तों आप भी इसी प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस में सारी बातें जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे टीम द्वारा एक बुक लिखी गई है जो कि पूरी तरीके से हिंदी में और सारे चार्ट पैटर्न उसमें हिंदी में और लेटेस्ट चार्ट के स्थान, जैसे कि मान लो ये डबल बॉटम जो चार्ट है ये उसमें भी समझाया गया है। और इसी तरह के जितने भी प्रकार के चार्ट है विश्वसनीय चार्ट, जिसके दोस्तों होता क्या है लोग अपने हिसाब से चार्ट पैटर्न बनाते रहते हैं लेकिन वो जो पुराने चल रहे हैं जो 50-50 सालों से चार्ट काम कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न काम कर रहे हैं, उन्हीं को लेटेस्ट वर्जन में बनाया गया है ताकि समझने वाला लगातार। अब जैसे मान लीजिए आप बुक खरीदते हैं, आपके हाथों में बुक आ गई, आपने चार्ट देखा और वो चार्ट मुश्किल से 1-1.5 महीने पहले का होगा, उससे क्या होता है जब भी बंदा चार्ट ओपन करता है अपने मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप पे तो उसको वही चार्ट वहाँ दिख जाता है और समझने में उसको आसानी होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना डबल बॉटम के बारे में। यदि आपको सूचना अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए।